हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सितंबर मंथ 2023 के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। इस वीडियो में आपको जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर लाया गया है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से किसे G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, यानी कि उस कंट्री का नाम बताना है जो कि 21st मेंबर जो है G20 का बन चुका है। तो इसका देखिए सही आंसर है अफ्रीकन यूनियन। एक्चुअली इंडिया जो है G20 का जो है होस्ट कंट्री था, मेजबान देश था 2023 में। और इससे पहले देखिए मैं आपको G20 के बारे में कुछ चीजें जो है हाईलाइट करके बता देता हूं। देखिए ट्रायका क्या होता है, ट्रायका जो है G20 में तीन अलग अलग जो देश होते हैं उन्हें कहा जाता है। किसे किसे कहा जाता है, जो करंट होस्ट कंट्री है यानी कि जो देश मेजबान है उसे, और आने वाले अगला जो कंट्री होस्ट करेगा G20 को यानी कि नेक्स्ट वाले को जो है यहाँ पे शामिल किया जाता है ट्रायका में। और इससे ठीक पहले जो अभी करंट में है, इससे पहले वाला जो कंट्री है, प्रीवियस कंट्री है, उसे भी इसमें शामिल किया जाता है। पहले कौन था, इंडोनेशिया हम लोगों से पहले होस्ट कर चुका है, करंट अभी हम लोग होस्ट कर रहे हैं इसे, और नेक्स्ट टाइम जो है ब्राजील इसे होस्ट करेगा। तो इन तीन कंट्री को मिलाकर ट्रायका बनाया जाता है। तो G20 में देखिए 19 देश ही हैं और इसमें जो है एक यूनियन है, वो क्या है, अफ्रीकन यूनियन। अब इसमें एक और कंट्री को शामिल कर लिया गया है, एक्चुअली एक यूनियन को शामिल कर लिया जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अभी भी 19 देश ही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो यूनियन यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, तो वहां पे कंट्रीज अगर पूछ लिया जाए तो 19 ही आप आंसर करोगे। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। और अफ्रीकन यूनियन की शुरुआत कब की गई, तो याद रखिएगा 1999 में, ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स आपको बता देता हूं ताकि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाए ताकि उसका जो है आंसर आप सही सही कर पाओ। और इसका जो थीम था वो क्या था वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप लोग नोटबुक में जरूर लिखिएगा, पेन पेपर पे रखो आप। वन अर्थ, हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको आता ही होगा। वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये जो है किया गया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए आई होप कि सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखो ये जो नरेंद्र मोदी की आप इमेज देख पाओगे, अफ्रीकन यहाँ से जो है यूनियन के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे वो दोनों गले मिलते हैं जब ये इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। यहाँ से जो है G20 की फोटो आप देख पाओगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, FTI, सॉरी यहाँ डबल आई होना चाहिए था, यह मिस्टेक है, FTII, ठीक है। इसके अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है, चुना गया है, अपॉइंट किया गया है, तो देखिए अपॉइंट किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा आर माधवन। जी हाँ, आर माधवन, थ्री इडियट में आपने जो है ये फोटोग्राफर बनने की कोशिश कर रहे थे, इंजीनियर इनको बना दिया गया था और फाइनली इन्होंने अपने पापा को कन्विंस किया था। खैर वो मूवी को बाद में रखेंगे, फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा, आर माधवन तमिलनाडु से आते हैं और बहुत ही कमाल के ये एक्टर हैं। फिलहाल जो है इनको एक और जीके से आप रिलेट करके याद रखिएगा, इनकी जो पिछले साल मूवी आई थी रॉकेटरी, उसमें शाहरुख खान ने भी कैमियो किया था और उस मूवी को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। याद रखिएगा रॉकेटरी को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। और FTII की जो घोषणा है, जो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी स्थापना दिवस 1960 है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ से देखो, सूर्य मिशन आदित्य L1 ये जो है इसे किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया, किस प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा PSLV C-57, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कुछ और एक्स्ट्रा जीके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए 2 सितंबर को, सितंबर 2 को जो है इसे यहाँ सतीश धवन, जो कि कहाँ है आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, वहां से इसे जो है छोड़ा गया है, हम लोगों ने इसे लॉन्च किया है। अब यहां से देखो आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं ताकि आप चीजों को और अच्छे से, L1 इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो यान है ना यहाँ पे आकर जो है, मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखे, यहाँ पे ये आएगा और सन के बारे में जो है, सूर्य के बारे में जो है हम लोग रिसर्च करेंगे और जानकारियां जुटाएंगे सूर्य के बारे में, ताकि अर्थ लाइफ के बारे में जो है चीजों को और हम लोग अच्छे से समझ पाएं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट जो है आपके सामने ये रहा, अगला सवाल यहां से आपको दिख रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि डूरंट कप 2023 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इसका सही जवाब देखिए ये होगा मोहन बगान, और ये जो है इससे पहले 131 हो चुके हैं, ये 132वां डूरंट कप था, ठीक है। और
किसे जीता तो ये आपको पता है मोहन बगान है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ना टफ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछ दिया जाएगा रनर अप टीम कौन थी, यानी कि दूसरे नंबर पर उपविजेता टीम कौन थी, तो इसका जवाब होगा ईस्ट बंगाल। याद रखिएगा ईस्ट बंगाल जो है यहाँ पे जीता हुआ है, ठीक है। और मोहन बगान ने लगातार कंसेक्यूटिवली 17 बार जो है ये खिताब जीता है और ईस्ट बंगाल को जो है 1-0 से फाइनल में हराया था। तो ये भी शायद एग्जाम में आ जाता हो, तो मैंने सारी चीजों को यहां पे कवर कर दिया है। और यहां से आप जो है मोहन बगान के जो फोटोज हैं जीतने के बाद, यहां से आप देखो डूरंट कप आपको यहां से दिख भी रहा होगा टाइटल, और यहां पे खिलाड़ियों के फोटोज आपको दिख रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है सवाल, हाल में ही राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर यानी कि RCF को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न वो कंपनियां होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसे चलाया जाता है, रन किया जाता है, जिसमें 51% से ज्यादा जो है सरकार की हिस्सेदारी होती है, ठीक है। पूछा गया है RCF का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। तो देखिए RCF का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, और यहां से आप इनकी लोगों को भी देख सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल देखो, हॉकी कप यहाँ पे 5-5 लिखा गया है, सॉरी यहां से आप आंसर सही देख पाओगे, 5S एशिया कप टूर्नामेंट जो है किस टीम को इंडिया ने हराया था। इंडिया ने जीता है ये याद रखना है आपको, ये एक GK है, ये करंट अफेयर्स है एक, लेकिन किसको हराया, मैंने कहा ना क्वेश्चन जब टफ पूछा जाता है। अभी मैंने आपको बताया जैसे ईस्ट बंगाल रनर अप टीम था, तो यहाँ पे पाकिस्तान रनर अप टीम रखी थी और हम लोगों ने पाकिस्तान को 2-0 से जो है हरा दिया था। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यहां से आप जो है इसकी फोटो भी देख सकते हो इस मैच की। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल में ही एन विलारमती का निधन हो गया है, इनकी डेथ हो गई है, और इनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये किस फील्ड से जो है रिलेटेड थी। तो इनका सही जवाब हो जाएगा साइंटिफिक रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान से ये संबंधित थी। और यहां से आप इनकी फोटो देखिए, ये जो है चंद्रयान के जो मून मिशन है उनमें भी ये शामिल थी, चंद्रयान जो 3 मिशन है इसके लिए ये भी शामिल थी। और ये तमिलनाडु से आती है, कहां से आती है, तमिलनाडु से। और 2015 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है इनको APJ अब्दुल कलाम के अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया गया था। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, उस खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। सबसे पहले आप इनकी फोटो यहां से देख लो ताकि आपको जो है एक विजुअल एक्सपीरियंस मिल पाए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, यहां से देख लो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब हो जाएगा, मैक्स, इन्होंने जो है इस अवार्ड को जीता है और 10 बार लगातार 10 बार इन्होंने जो है इस अवार्ड को ये जीतते आ रहे हैं, और हो सकता है कि 2023 इन्होंने जीत लिया है, 2024 में भी ये जो है जीत जाएं, ठीक है। चलिए और अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, मून खाइपर किस देश का मून मिशन है, चंद्रमा मिशन जो अभी हम लोगों ने किया था, है ना, चंद्रमा जो हम लोगों ने मून मिशन लॉन्च किया था, कौन कंट्री जो है मून स्नाइपर लॉन्च करने वाली है। तो इसका सही जवाब देखिए जापान है, जापान हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में जापान बोलते हैं। और ये जो जापान की, जैसे हम लोगों के इंडिया में इसरो है, उसी तरह से जापान में जैक्सा है ये, ठीक है, JAXA। और जापान की मदद कौन कौन सी कंट्री करती है, ये जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं जापान, तो 2 इंस्टीट्यूट का नाम आपको याद रखना है, पहला है नासा इनकी बहुत मदद करता है, और एक और है यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी जो है इनकी बहुत मदद करता है, किसकी, जापान की। अगले सवाल की, यहां से आप जो है इनकी फोटो देख सकते हो, जापान लॉन्चेस मून स्नाइपर मिशन, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो ताकि चीजें जो है आपके माइंड में जो है पिक्चर का एक्सपीरियंस, और वैसे भी बहुत अच्छा होता है। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देश की पहली सोलार सिटी कौन सी है, और यहां से आपको फोटो देखकर ना आइडिया लग चुका होगा। यहां से आप फोटो देखोगे कौन दिख रहे हैं आपको, यहां से शिवराज सिंह चौहान की फोटो दिख रही है, और शिवराज सिंह चौहान वाराणसी से संबंधित नहीं है, हम्पी या प्रयागराज से भी संबंधित नहीं है, एक्चुअली सांची इसका सही जवाब है। सांची के उस्तू जो है बहुत ही फेमस है, और ये जो है मौर्यकालीन यानी कि मौर्य के समय में ये जो है सांची के जो स्तूप है उसका निर्माण कराया गया था। यहाँ से आप इसकी फोटोज भी देख सकते हो, सोलार सिटी जो है पहली सोलार सिटी बनी है ये, और ये कहाँ पे है, सांची में, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थित है, ठीक है, स्थापित की गई है, आपको बताना है कहाँ पे स्थापित की गई है। तो देखिए नटराज स्टैचू जो है, पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ ताकि आप जो है चीजों को और अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओ। यहाँ से फोटो देखो, आपको नटराज की फोटो आपको दिख रही होगी, ये जो भारत मंडपम है ये G20 के समय में जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है,
और भारत मंडपम में आगे में ये फोटो आपको दिखेगी। और नटराज को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है, और उसमें कहा गया है कि भगवान शिव जो है, लॉर्ड शिव हैं, वो क्या है, डिस्ट्रॉयर हैं और क्रिएटर भी हैं, यानी कि ये पृथ्वी या फिर ये जीवन का विनाशक भी हैं और संहार कर भी जो इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53rd जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 है, भारत तालिका में कितने नंबर पे रहा था? ये आपको जवाब देना है इसका। तो इसका जो सही जवाब है वो है 3rd नंबर पे जो है इंडिया रहा था। और इसकी शुरुआत वर्ल्ड चैंपियनशिप की कब की गई थी, ISSF की, तो 1907 में इसकी शुरुआत की गई थी। इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था उस समय। और इंडिया ने इस बार 2023 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो याद रखिएगा 6 गोल्ड मेडल हम लोगों ने यहाँ पे जीता है और 8 ब्रॉन्ज जीता है, 1 भी सिल्वर हम लोगों ने जीता नहीं है। टोटल 14 जो है हम लोगों ने यहाँ पे पदक जीता हुआ है। ठीक है, सही, सारी बातें जो है क्लियर हो गई होगी। और बहुत सारे जो एथलीट हैं हम लोगों के कंट्री के, उन्होंने जो है फ्रेंच ओलंपिक जो होने वाला है अगला, फ्रांस में ओलंपिक होगा, वहां के लिए क्वालिफाई कर लिया है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। आई होप कि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए यहां से जो है आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, 14 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक इसकी आयोजन की गई थी और 14 मेडल जो है हम लोगों ने यहां पे जीता हुआ था। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फायर ऑन द गंगास जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, देखिए इंग्लिश बुक है लेकिन आप जो है हिंदी में भी इसे याद रख लीजिएगा, फायर ऑन द गंगास, यानी कि जो बनारस के, यहाँ फोटो देख लो आप पहले बुक की। ठीक है, आंसर तो आपको पता चल चुका होगा, राधिका अयंकर। अब मैं आपको जवाब बताता हूं इसका। ये किताब बहुत ही पॉपुलर है, हो सकता है कि अगले महीने में इसको पढ़ भी लूं। इस बुक के बारे में क्या बातें हैं वो मैं आपको साझा कर देता हूं। राधिका अयंकर के द्वारा जो है किताब में बनारस के डोम जाति के जो वहां पे लाशों को जलाते हैं उनके संघर्ष की कहानी इसमें बताई गई है, उनकी जो प्रतिदिन जो वो अलग अलग समस्या से जूझते हैं उनके बारे में इस किताब में जो है बातें लिखी गई है। सही जवाब फिर से मैं बता दूं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के पहले AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसका नाम क्या दिया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है इंद्रजाल। और ये क्या करता है, इंद्रजाल जो है डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला है और जो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं इसकी निगरानी ये करेगा। 4000 किलोमीटर को जो है ये एरिया को ये कवर करेगा और वहां पे किसी भी तरह की जो भी अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही है या किसी भी तरह का कोई डाउट अगर इनको लगता है तो ये सैटेलाइट के ये जो है इमेज भेजेगी। आई होप कि आपको सारी बातें यहां से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। यहां से इसकी फोटो भी देख सकते हो, इंद्रजाल इसका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो है किसे अध्यक्ष बनाया गया है, एक समिति का गठन किया गया है उसके लिए किसे जो है अध्यक्ष बना दिया गया है, तो रामनाथ कोविंद हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं और ये पहले दलित जो है, इससे पहले शायद आर के नारायण भी बने हुए थे, तो इसका सही जवाब देखिए रामनाथ कोविंद होगा। ठीक है, और वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है कि जैसे लोकसभा का जो चुनाव होता है उसी समय अलग अलग स्टेट का जो है इलेक्शन करा लिया जाए, जैसे कि झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल हो या फिर पंजाब हो, केरला हो या फिर तमिलनाडु हो, इन सभी राज्यों को का इलेक्शन जो है लोकसभा, यानी कि प्रधानमंत्री और आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री का इलेक्शन जो है एक साथ कर पाओगे, यानी कि आप सांसद और विधायक दोनों को एक ही इलेक्शन में चुन सकते हो। लेकिन ये दूर की कौड़ी है, अभी इस पे काम किया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग राज्यों का भी सहमत होना बहुत जरूरी है। यहां से आप फोटो देख सकते हो, अमित शाह साथ में नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद को यहां पे बधाई दी जा रही है कि ये जो है यहां पे सेलेक्ट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजूरकर का निधन हो गया है, आपको बताना है कि वो किस भारतीय घराने से संबंधित थी। तो देखिए इसका सही जवाब है ग्वालियर घराना, सीधा सीधा आंसर है ग्वालियर घराना। और ये जो है कौन कौन से चीजों को गाती थी, तो देखिए ख्याल, इसमें जो है एक ख्याल और जो टप्पा है उसको ये उन चीजों को ये काम में यहां पे लाती थी, उन चीजों को ये गाना गाती थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, भगवान इनके घर वालों को, इनकी जो मृत्यु हुई है उसको सहने की शक्ति दे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 53rd
दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वाहिदा रहमान, जो कि तमिलनाडु से आती है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर का शुरुआत जो है वहीं से, साउथ मूवी से ही उन्होंने करी थी। और इसके बाद इनकी पहली इंडियन मूवी जो है, इंडियन मूवी तो साउथ वाले को भी इंडियन मूवी ही कहेंगे, लेकिन हिंदी फिल्मों की जो इनकी शुरुआत हुई थी वो पहली मूवी थी CID। और इसमें जो इनके अपोजिट थे वो कौन थे आपको पता ही है, देवानंद। और इनकी एक, इन्होंने साथ में गाइड में भी काम किया और वो बहुत ही पॉपुलर थी। आप लोगों को मैं बता दूं, कागज के फूल ये मूवी बहुत ही पॉपुलर थी और ये मूवी आपको YouTube पे मिल जाएगा, अगर आप खाली समय में हो तो ये मूवी देख सकते हो। और गुरुदत्त की वो मूवी थी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और यहाँ से वहीदा रहमान की आप फोटो देख सकते हो, और जब ये एक्ट्रेसेस हुआ करती थी, अभी भी एक्ट्रेसेस है बट उस समय शुरुआती दिनों की ये फोटो है और ये अभी करंटली फोटो इनकी ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2023 का थीम क्या है? सबसे पहले विश्व पर्यटन दिवस जो है मनाया कब जाता है? 22 सितंबर को, ये जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एक बात तो मैंने आपको बता दी। अब देखिए, सऊदी अरेबिया जो है इसे अभी होस्ट कर रहा है और सऊदी अरेबिया सिर्फ तेल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है, ये टूरिज्म के लिए अलग अलग चीजों को अपने देश में प्रमोट कर रहा है। तो विश्व पर्यटन दिवस 2023 का थीम क्या है? पर्यटन और हरित निवेश, यानी कि टूरिज्म को जो है ग्रीन इनिशिएटिव के द्वारा जो है, इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो है इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर, यहां से देखो 27 सितंबर आपको दिख रहा होगा, सॉरी मैंने 22 बता दिया, सॉरी फॉर दैट, 27 सितंबर इसका सही जवाब है। विश्व जो टूरिज्म डे है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC का निर्देशक यानी कि डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो देखिए, इसमें जो एक ऑप्शन है ना, अजीत मोहंती, ये आप नहीं मार देना क्योंकि ये प्रीवियस थे, ये लास्ट टाइम में यही बने हुए थे, ये जो है लास्ट टाइम इसके जो है निर्देशक थे। लेकिन करेंटली की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विवेक भसीन। विवेक भसीन जो है करेंटली यहाँ के जो है निर्देशक चुने गए हैं। वेट ए मिनट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ए इसका सही जवाब है। फिलहाल देखिए, यहाँ से जो है आप इनकी फोटो भी देख सकते हो और यहाँ पे इनके बैकग्राउंड में आप जो है इनके भाभा जो अनुसंधान केंद्र है इसकी लोगो भी आपको यहाँ से दिखाई पड़ रही होगी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल में ही MS स्वामीनाथन का जो है निधन हो गया है, इनका उपनाम क्या था? तो देखिए, मैं सीधे सीधे इसका आंसर बता देता हूँ, भारत के हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। लेकिन मैं सवाल आपसे पूछूंगा, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नीचे कमेंट करके आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग सिंसियरली जो है चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। फिलहाल कुछ और चीजें आपको एडिशनल में बता देता हूं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया में 1965 से लेकर 68 तक जो है हरित क्रांति को चलाया गया था ताकि हम लोग जो है खास करके चावल और गेहूं पे दूसरे कंट्री पे निर्भर ना हो। आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे देश में बहुत अकाल पड़ गया था, हम लोग भूखे मर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है भूख के कारण मर गए थे। बहुत सारी दर्दनाक जो है तस्वीरें आपको देखने को इंटरनेट पे मिल जाएगी, मैं यहाँ पे शामिल नहीं करूंगा इसका। जो और भी कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं। एम स्वामीनाथन जो है तमिलनाडु से संबंधित थे, चेन्नई में इन्होंने आखिरी सांस ली थी। और इनके बारे में कुछ और चीजें बता देता हूं, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने जो है ग्रेट पर्सनालिटी थे। 1967 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कब? 1967 में, 1967 में। और फिर 1972 में, 1972 में जो है पद्म भूषण दिया गया था इनको। क्या दिया गया था? पद्म भूषण। और 1989 में इनको पद्म विभूषण दे दिया गया था, ठीक है। और अटल बिहारी जो लाल कृष्ण अडवाणी है, इनको भी पद्म विभूषण से हाल में ही जो है सम्मानित किया गया था, एक दो साल पहले ही, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, शायद ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और बात इनको मैं बता दूं, 1971 में, ठीक है, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये फिलीपींस में, फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, उनके याद में ये दिया जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज भी इसे कहा जाता है। और 87 में जो है विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। तो मैंने सारे पुरस्कार का नाम आपको बता दिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज वेरी 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 क्रिटिकल, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारी जानकारी एडिशनल में बता दी है। और यहाँ से जो है आप इनकी फोटो देख सकते हो, और इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इन इंडिया जो है एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। इनको हम लोग याद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे और आपके पूर्वज जो है आज जिंदा हैं इन्हीं की वजह से, उस समय अकाल से नहीं मरे क्योंकि इन्होंने जो है बहुत मेहनत से, बहुत दिल लगाकर काम किया और हमारे पूर्वजों को जो है बचाया इन्होंने। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग पढ़ते हैं। हाल में ही घोषित टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है
इसको घोषित किया गया है टाइगर रिजर्व। आपको बताना है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। सही जवाब है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जब वीरांगना दुर्गावती को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है तो ये सातवां ऐसा रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा, यहीं पे। और 6 टाइगर रिजर्व के साथ जो है महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। और इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो याद रखिएगा 54 टाइगर रिजर्व हैं। 54 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, बाघ की फोटो भी आपको दिख रही होगी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चर्चित OSIRIS रेक्स जो एस्ट्रॉइड मिशन है, इसका संबंध किस अंतरिक्ष संस्था के साथ है, तो देखिए नासा से जो है ये संबंधित है। आप लोगों से एक सवाल पूछ लूं, नीचे कमेंट करके आप लोग जवाब बताइएगा, नासा का पूरा नाम क्या है और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां पर है और नासा की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। ये देखिए यहां पे जो है एस्ट्रॉइड के बारे में भी बताया गया है, फोटो में आपको दिख रहा होगा। चर्चा में हाल में ही जो है फाइव आईज, यानी कि देखिए फाइव आईज जो है एक ऐसा समझ लो अपना, अलग अलग कंट्री के अलग अलग जो है एजेंसी होती है जो कि जासूसी करती है। जैसे कि इंडिया का रॉ हो गया, इसी तरह से पाकिस्तान का जो है ISI है, अमेरिका का क्या है CIF है, CIA है। इसी तरह से अलग अलग कंट्री के अलग अलग जो है वो एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस भी कहा जाता है उसे। तो फिलहाल फाइव आईज में कौन कौन शामिल है, तो देखिए मैं आपको उसका नाम ही बता देता हूँ। फाइव आईज में कौन कौन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया आपको इसमें मिलेगा, इसमें आपको UK मिलेगा यानी कि यूनाइटेड किंगडम मिलेगा, इसमें USA मिलेगा, अमेरिका भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड। देखिए सिंस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है बहुत ही करीब करीब देश हैं और दोनों की जो जियो पॉलिटिक्स है लगभग लगभग समान ही है, तो दोनों इसमें शामिल है। चार मैंने बता दिए, पांचवां जो है उसमें कनाडा भी शामिल है। और हाल में ही जो निजर की हत्या कर दी गई थी उनको किल कर दिया गया था, और ये फाइव आईज के द्वारा ही जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी कि इंडिया के एजेंसी रॉ ने जो है इनको जो है खत्म कर दिया है, मार दिया है। खैर इस पे जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सी अभी देखने को आपको मिलेगी। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है भारत। भारत इसमें शामिल नहीं है, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और UK आपको इसमें शामिल मिलेगा। और एक और कंट्री का मैंने नाम आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK और USA भी और कनाडा भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया था, जो बुक फेयर है ये 20th नेशनल बुक फेयर कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसका सही जवाब देखिए ये है लखनऊ। ये जो है लखनऊ में किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ किया गया था, तो बलरामपुर गार्डन में जो है इसकी जो है उद्घाटन की गई थी, बलरामपुर गार्डन में। ये आप याद रखना, बलरामपुर गार्डन में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका थीम क्या था, थीम था ज्ञान कुंड, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लेखक आएंगे, वो जो है बात करेंगे अपने पुस्तक के बारे में कि ये लिखने के पहले उनके दिमाग में जेहन में क्या बातें चल रही थी। और यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, राष्ट्रीय नेशनल बुक फेयर। और यहाँ से देखो 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा, और देखिए बलरामपुर गार्डन भी आपको यहाँ से दिख रहा होगा और लखनऊ भी दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल में ही राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया है, हाल में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया है, तो देखिए इसका सही जवाब है राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखिए इसमें खास बात क्या है गांधी वाटिका के बारे में, देखिए यहाँ पे गांधी जी की जो तस्वीरें हैं ना ये बोलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। गांधी जी अपना जो है अपने तस्वीरों के बारे में इनकी आवाज में जो है आपको चीजें सुनाई पड़ेगी। गांधी जी की तस्वीरें यहाँ पे बोलती है। और इसे किस टेक्नोलॉजी के द्वारा बुलाया जाता है, तो इसका सही जवाब देखिए होलो टेक्निक के द्वारा जो है ये आपको देखने को मिलता है। हो सकता है कि एग्जाम में होलो टेक्निक के बारे में भी पूछ दिया जाए, यहाँ से आप जो है फोटो भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्या पूछा गया इसमें, चर्चित चौक परियोजना का संबंध किस राज्य से है, चौक जो प्रोजेक्ट है ये किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही जवाब देखो ऑप्शन ए होगा छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो स्कूल हैं उन्हें जो है डेवलप किया जाए। ये डेवलप करके स्कूल में क्या करेंगे, नए नए बिल्डिंग्स बनाएंगे और किस तरह से रोचकता से जो है बच्चों को पढ़ाया जाए इसके बारे में बात की जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको जो है भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के CM है, इनकी फोटो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए लैब, लाइब्रेरी वगैरह, क्लासरूम को स्मार्ट बनाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात करेंगे, आगे एक क्वेश्चन भी मिलेगा पर्टिकुलरली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19th एडिशन का जो एशियन गेम्स हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय 19वें जो एक एशियाई गेम्स की महिला क्रिकेट टीम है उसने कौन सा पदक जीता है, ये 19वां एडिशन है
महिला टीम, भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो उसका सही जवाब देखिए गोल्ड होगा, हम लोगों ने यहाँ पे गोल्ड जीता है। और मेल टीम भी, आई मीन मेंस टीम भी जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल लाए, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से देखो फोटो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए महिलाओं ने जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में नंबर वन पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है किसे दिया गया है? तो देखिए ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ये फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है। और सेकेंड नंबर पे रही थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। यहां से आपको जो है फोटो भी दिखाई पड़ रही होगी, यहां से देख सकते हो आप फोटो को। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां से जो है फोटो वगैरह आपको दिख जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, यानी कि शांति और जो सुरक्षा का पुरस्कार है, किसे दिया गया है? तो देखिए माता अमृतानंदमयी देवी को ये अवार्ड दिया गया है। आप फोटो देख लो, समझ में आ जाएगा। ये सोशल वर्कर हैं जो कि पूरे विश्व में शांति, स्पिरिचुअलिटी यानी कि लोगों में जो है सद्भाव बढ़े, एक दूसरे को सम्मान दें, प्यार दें, इसके लिए जो है इनको सम्मान ये दिया गया है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, चर्चित आपसा का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभी ये चर्चा में क्यों है। मणिपुर जल रहा है, आपको पता है वहाँ पे बहुत हिंसा हो रही है, सरकारें वहाँ पे नाकाम हो गई है शांति बहाल करने में, लोग एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू हैं। तो फिलहाल 6 महीने के लिए जो है आपसा लगा दी गई है, कहाँ पे? मणिपुर में, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1958 में। शुरुआत कब हुई है? 1958 में। सही जवाब आपका होगा आम फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 के लिए जो है किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो रवि कनन, देखिए कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ये आसाम के हैं, याद रखिएगा। इनको जो है हीरो फॉर होलिस्टिक के लिए अवार्ड दिया गया है, और इनको पद्मश्री भी जो है भारत सरकार दे चुकी है। और पिछली बार 2019 में, जी हाँ, एक और भारतीय ने रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, जिनका नाम है रवीश कुमार, टेलीविजन के वो जो है जर्नलिस्ट हैं, और सरकार की काफ़ी आलोचना ये करते हैं। एनडीटीवी में ये काम करते थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जब से जो अडानी साहब है उन्होंने एनडीटीवी को खरीद लिया था, इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम क्या है? रवि कनन। अगर मैं बात करूँ रमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो फिलीपींस के जो 7वें राष्ट्रपति थे उनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है, और एशिया का इसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। इंडिया की ओर से सबसे पहले जीतने वाले जो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, उनका नाम है विनोबा भावे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, बुधाना आंदोलन से भी जो है विनोबा भावे संबंधित थे। यहां से देखिए आपको रवि करण की जो है फोटो दिख जाएगी। इनके अलावा कुछ और लोगों को भी सम्मानित किया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड से, उनका भी नाम आप यहां से देख सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो देखिए सीकर की रहने वाली प्रियन सेन ने जो है इसे जीता है, ठीक है, सीकर की रहने वाली है ये, और पहली राजस्थानी है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। अब ये जो है प्रियन सेन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, कहाँ पे? इंटरनेशनल पीजन ब्यूटी में, जो कि कहाँ पे होगा? वियतनाम में होगा, याद रखिएगा, वियतनाम में ये किया जाएगा, और उसको जो है इंडिया की ओर से प्रियन सेन यहाँ पे उसे जो है लीड करेगी। यहाँ से आप जो है प्रियन सेन की फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, 69 जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है यानी कि नेशनल अवार्ड है, इसकी घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया है? तो देखिए अल्लू अर्जुन को ये अवार्ड दिया गया है, और ये पहले तेलुगु स्टार हैं जिनको ये दिया गया है। पुष्पा द राइज मूवी आई थी जिसमें इनको जो है उस अदाकारी के लिए जो है इसको इनको जो है नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को जो है ये अवार्ड मिला हुआ है। इनके साथ साथ में आलिया भट्ट तो है ही, यहाँ पे जो है कृति सैनन, उनको भी ये मूवी, उनको भी जो है ये अवार्ड मिला हुआ है। कृति सैनन ने जो है मीमी मूवी जिसमें उन्होंने जो है बताया था कि कैसे जो है किराए की कोख वाली स्टोरी को उन्होंने जो है उसको जो है बहुत अच्छे से चित्रण किया था, इनके लिए जो है इनको अवार्ड मिला हुआ है। और सबसे अच्छी मूवी की बात करें तो उद्धम सिंह द स्टोरी ऑफ उद्धम सिंह को जो है सबसे बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से जो है अल्लू अर्जुन की आपको फोटो दिख रही होगी, और आप इससे जो है चीजों को अच्छे से समझ पाए होगी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नरगिस हसन जई जो है हाल में ही विश्व शांति पुरस्कार जीता है, वो किस देश की है? तो देखिए
जब से अफगानिस्तान में ना तालिबान का शासन हुआ है, यहाँ पे महिलाओं के पढ़ने लिखने नौकरी करने पे, रात में आने जाने पे बहुत सारी पाबंदी लगा दी गई है। इनके खिलाफ जो है एक महिला आवाज़ उठा रही है जिनका नाम है नरगिस मोहम्मद हसन जई, और ये बार बार जो है आवाज़ उठा रही है जिस वजह से इनको ये सम्मान दिया गया है। ह्यूमन राइट को यानी कि मानव अधिकारों के बारे में ये बात करती है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। किस राज्य ने भारत में पहला AI स्कूल लॉन्च किया? यहाँ से आप फोटो देख पाओगे। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है, इसकी जो है शुरुआत कहाँ की गई है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा केरला। सॉरी, यहाँ से ऑप्शन सी में केरला के तिरुवनंतपुरम में जो है इसकी शुरुआत की गई है। सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से देखिए तिरुवनंतपुरम की ये फोटो भी आपको दिख जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे स्कूल में जो टीचर वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो रोबोट हैं ये भी जो है इनको प्रोग्राम किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा कि ये बच्चों को पढ़ा सकें। अगला सवाल देखो, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? तो देखिए इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। यहाँ से आप इनकी फोटो देख लीजिए, और ये जो है एक साल के लिए जो है भारतीय रेल में यहाँ पे निर्देशक का काम करेगी। और अगर एक साल के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा एक साल के बाद इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और के साथ। खेलो इंडिया की बात हो रही है, तो सबसे पहले इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, यूथ एंड अफेयर मिनिस्टर भी हैं ये, युवा मंत्री भी हैं, और इन्होंने जो है इंडिया महिला लीग का नाम क्या कर दिया है, बदल दिया गया है, तो इसका नाम है अस्मिता महिला लीग जो है इसे कर दिया गया है। ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ अ कबीर, इसके बारे में बात की गई है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आप ये ड्रंक यानी कि शराब वगैरह के बारे में सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब देखिए कबीर होगा, सॉरी कबीर नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा विपुल रिखी। ठीक है, विपुल रिखी के द्वारा लिखा गया है। इसमें देखिए कबीर के जो अलग अलग जो दोहे दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा चर्चित रोबोट व्योम मित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो देखिए व्योम मित्र जो है इसरो के द्वारा बनाया गया है, और ये मानव शरीर की तरह जो है हूबहू दिखेगा आपको, यहाँ से देख लीजिए। और ये क्या काम करेगा, ये जो है अलग अलग जो चीजें हैं वो यहाँ पे एक्सप्लोर करने का काम ये किया जाएगा इसके द्वारा। देखिए अगला सवाल, दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूअल कार निर्मित की गई है। देखिए ये इतना बड़ा नाम है ना, इसे याद रख लेना। अब देखिए इसके बारे में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये इथेनॉल यानी कि जिसमें पेट्रोल 80% होता है और 20% गन्ना जौ मक्का का जो है मिश्रण करके जो है इसे तैयार किया जाता है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग भी इसे कहा जाता है। और E23, जी हाँ E23 का जो है लक्ष्य रखा गया, जिसमें कि हम लोग 80% पेट्रोल रखेंगे और 20% जो है गन्ना जौ और मक्का के रस को मिलाकर जो है हम लोग केमिकल तैयार करेंगे और जिसे पेट्रोलियम। और ये कार जो है सबसे पहले टोयोटा मोटर्स इंडिया ने लॉन्च करी थी। यहाँ से आप फोटो देख लीजिए, नितिन गडकरी की भी फोटो दिखेगी, और पूरा क्रेडिट आप इनको दे सकते हो। और आने वाले समय में याद रखना आप, कारें जो है इसी पर्पस पे चलेगी, इलेक्ट्रिक कारें चलेगी, पेट्रोल वाला कार जो है जल्दी ही बंद हो जाएगा। फिलहाल आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 में भारत की जो महिला ब्लाइंड टीम है इन्होंने जो है कौन सा खिताब जीता है ये आपको बताना है। तो देखिए हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है यहाँ पे। ठीक है, किसे हराकर? इंग्लैंड को हम लोगों ने हराया है। क्वेश्चन देखिए ये भी पूछ लिया जाता है, किसे हराया है? इंग्लैंड रनर अप यानी कि उप विजेता टीम रही थी। आई होप की सारी बातें क्लियर हो गई। सॉरी, ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, माफ कीजिएगा, और जो विरोधी टीम थी जिसे हम लोगों ने हराया उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। यहाँ पे वुमेन्स की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, तो मेंस टीम ने क्या किया था? तो देखिए मेंस टीम ने जो है सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप जो है फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वुमेन्स 5S एशियन हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो देखिए वुमेन्स 5S एशियन हॉकी का जो है खिताब किसके द्वारा जीता गया है? इंडिया के द्वारा। और फिर से मैं रनर टीम की बात करूंगा तो यहां भी इंग्लैंड टीम जो है दूसरे नंबर पे रही थी, इंग्लैंड को हम लोगों ने हराया था यहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता हुआ है? ठीक है, किसने जीता है? तो इसका सही जवाब देखिए जर्मनी होगा, जर्मनी ने जीता है। और रनर अप टीम कौन रही है, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन रही है? सर्बिया। दूसरे नंबर पर कौन रही है? सर्बिया, याद रखिएगा। और ये जो प्रतियोगिता का आयोजन है यानी कि ये कंपटीशन का आयोजन है, फिलीपींस,
इंडोनेशिया और जापान के द्वारा जो है किया गया था, तीन होस्ट कंट्री थी, कुल 32 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आप जो है इसकी फोटो भी देख सकते हो। ठीक है, सॉरी, ये जो है मैंने बता दिया जर्मनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत ने किस देश में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? भारत ने किस देश से C-295 जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदा है? तो इसका देखिए सही जवाब होगा स्पेन। हम लोगों ने स्पेन से जो है ये खरीदा है। एक्चुअली देखिए इसका काम हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे रिमोट एरिया जहाँ पे लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। खाने का सामान हो, पानी की बोतलें हो, या फिर बहुत अलग अलग सामानों को, हथियार हो, ये लॉजिस्टिक लेकर जाता है। स्पेन से हम लोगों ने ये खरीदा है और ये 19th एडिशन है, याद रखिएगा, ये 19th एडिशन है। 56 हम लोग जो है ये एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं, जिसमें कि 16 जो है स्पेन अपने देश में बनाएगा और जो बाकी के बचे हुए 40 हैं वो इंडिया में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। US ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जो है किसने जीता हुआ है? तो इसका सही जवाब देखिए ऑप्शन बी, राजीव राम और जो सेलिबरी ने इसे जीता है। किसे हराकर? ऑप्शन ए को, यानी कि रोहन बोपन्ना को हराकर। ये भी भारतीय हैं, याद रखो कि उन्हें जो है हराकर इन्होंने ये खिताब जीता हुआ था। आगे बढ़ते हैं, यहां से आप जो है इनकी फोटो भी देख सकते हो, रोहन बोपन्ना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। US ओपन 2023 की महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो कोको गॉफ, और ये इनका पहला ही टूर्नामेंट था। आई रिपीट, दिस इज द वेरी फर्स्ट टूर्नामेंट फॉर हर, और ये अमेरिका की है, USA की है, और इन्होंने पहले ही टूर्नामेंट में अपना परचम लहरा दिया है। आगे बढ़, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, और ये 19 साल की है, बहुत यंग है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब देखिए दीपपान गांगुली हैं, और टोटल 12 साइंटिस्ट को ये जो है अलग अलग क्षेत्रों के वैज्ञानिक को ये दिया गया है। इंडिया में दिया जाने वाला ये अलग अलग खोज करने वाले लोगों को ये दिया जाता है। टोटल 7 अलग अलग फील्ड यानी क्षेत्र से लोगों को ये दिया जाता है। 1958 में ये इसकी शुरुआत की गई थी, पहली बार 1958 में ये हुआ था, और पहली बार जो है 1958 में ऐसी पुरस्कार की घोषणा की गई थी। चलिए यहाँ से जो है आप इनकी फोटो देख सकते हो, किनकी फोटो है ये मैं आपको बता दूं, ये दीपमान गांगुली जी की फोटो है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से ट्रेन बिछाएंगे और यहाँ से यूरोप का, यूरोप में सामान हम लोग पहुँचाएंगे, यूरोप से सामान भी लाएंगे, उसके बाद जो है पोर्ट की मदद ली जाएगी। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो देखिए अफगानिस्तान को हम लोगों ने रूल आउट कर दिया है, अफगानिस्तान की जरूरत नहीं है। यूरोपियन कंट्री फ्रांस, इटली, सऊदी अरेबिया है, हो सकता है कि टर्की भी इसमें शामिल हो जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ टर्की इसमें शामिल नहीं है, और यहाँ से जो है इस रूट को आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, SAFF सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो देखिए इसका भी जवाब क्या है, भारत है, भारत ने इसे जीता है। अब सवाल ये आता है कि भारत ने किसे हरा कर ये जीता है, ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो बांग्लादेश रनर अप टीम रही थी, उप विजेता टीम रही थी, कौन? बांग्लादेश। और हम लोगों ने 2-0 से जो है इसे हराया है, किसे? बांग्लादेश को। और पांचवी बार, आई रिपीट, पांचवी बार जो है सैफ अंडर 16 का ये खिताब हम लोगों ने जीत लिया है। कितनी बार? पांचवी दफा। यहां से जो है सैफ अंडर 16 का जो खिताब है, ये विनर्स के फोटो हैं, चैंपियंस के फोटो हैं, आप यहां से देख सकते हो। हाल में ही अजीत निनान का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे ये आपको बताना। तो देखिए ये कार्टूनिस्ट थे, और टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे जैसे बड़े बड़े ख्याति प्राप्त जो जर्नलिस्ट पैनल हैं, ग्रुप है, उनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है, और यहाँ से आप इनकी कार्टून की भी फोटो देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में ही उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया है, वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यहाँ से आप फोटो देख लो और आपको आइडिया लग चुका होगा, ये बीना बजाते थे। और पूछा ये भी जाता है कि कौन से घराने से थे, तो याद रखिएगा ये जयपुर घराने से थे। किस घराने से? जयपुर घराने से ये संबंधित थे। फिलहाल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में ही बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, और जम्मू कश्मीर में जो है ये आयोजन हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोज सिन्हा यहाँ के क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। मनोज सिन्हा जो है यूपी से आने वाले सांसद थे, वो इस बार चुनाव हार गए, तो उनको यहाँ पे जो है इनको उपराज्यपाल बनाकर भेजा गया है। यहाँ से आप जो है अलग अलग कल्चरल फोटो भी देख सकते हो। डॉक्टर MS गोखले पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का?
तो देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय कुमार मिश्रा जो कि सेना के डॉक्टर हैं और ये नेत्र यानी कि आई स्पेशलिस्ट हैं, चिकित्सा के पुरस्कार क्षेत्र में जो है एएम गोखले पुरस्कार दिया जाता है और डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, चलिए यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, इनको ये सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा ही प्यारा और इजी सवाल है, 14 सितंबर। सवाल ये भी पूछा जाता है कि किस अनुसूची में जो है हिंदी दिवस का वर्णन आपको मिलेगा, 8वीं अनुसूची में, और 8वीं अनुसूची में टोटल हिंदी के अलावा 22 भाषाएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, किस देश की महिला खिलाड़ी अर्नली कोहली को अगस्त माह का आईसीसी होगा महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ये आयरलैंड की खिलाड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, बाबर आजम को जो है अगस्त महीने के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आयरलैंड की ये जो क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर, इनको यहाँ से आप देख सकते हो। चर्चा में रहे डिवाइस मॉक्सी का संबंध किससे है? तो देखिए डिवाइस मॉक्सी क्या काम करता है, नासा ने इसे बनाया है, इसका काम ये है, ये टिफिन शेप का होता है, बहुत ही छोटा होता है और ये क्या कर सकता है, ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ऑक्सीजन में बदल देगा। एक छोटा सा जो स्मॉल प्लांट है, जितना ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर सकता है, ये टिफिन बॉक्स का जो ये डिवाइस है, इतना ऑक्सीजन ये भी प्रोड्यूस कर सकता है। और यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर, देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रोवर का नाम क्या था, तो याद रखिएगा प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की पुष्टि करी है? ठीक है, और लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था, यह भी याद रख लेना आप। देखिए सल्फर इसका सही जवाब होगा, इसके अलावा यहां पे आयरन, एल्युमिनियम, टाइटेनियम का भी जो है आपको जो है अवशेष देखने को मिला है, यहां पे इस तत्व की बात की जा रही है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये सवाल पूछा गया है, 16 सितंबर को। और क्या किया जाता है, ओजोन परत जो कि आपको पता है सेविंग क्रीम से ये ओजोन परत निकलता है, साथ में फ्रिज के पीछे से भी ऑक्सीजन ये जो है आपको देखने को मिलता है, तो और जो अलग अलग क्रीम वगैरह यूज करते हैं, कार्बन वगैरह से भी ये होता है, तो ओजोन से बचने के लिए ये हम लोगों ने काम करा है और ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। हाल में ही क्रिकेट एशिया कप 2023 का अवार्ड किसने जीता है, तो भारत ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव, और फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच थे उनका नाम था मोहम्मद सिराज, उन्होंने ये खिताब जीता हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। और याद रखिए एक और बात, इंडिया ने टोटल 8 times जो है एशिया कप जीता हुआ है, 8 times, और इस बार की जो 2023 की रनर अप टीम थी वो थी श्रीलंका। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है इंडिया जो चैंपियंस है इनकी फोटो आप यहाँ से देख सकते हो। स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो देखिए आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की जो है मूर्ति, यहाँ से आप देख लो, मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ये जो है मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलेगा, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के किस जगह से, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो देखिए ओमकारेश्वर जगह से आपको ये देखने को मिलेगा 108 फीट की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, फ्लैग बियरर कौन थे, तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत कौर, एक्चुअली यहाँ पे सिंह लिखा गया है, हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहेन, इनके द्वारा जो है, और लवलीना जो है ये ओलंपिक मेडल भी ला चुकी है इंडिया के लिए। फिलहाल हम लोग जो है अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में ही घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसेल के पवित्र मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो देखिए 42वां जो है, सबसे पहले मैं 41वां के बारे में बताता हूँ, 41वां के बारे में, शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थानीय निवास है ये, और इसके बारे में देखिए कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जो कि हमारे नोबेल प्राइज विनर अमृत सेन, उन्होंने जो है यहाँ पे दावा वगैरह किया था, तो फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 47 जो है वो कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा, और ये काले पत्थर से बना हुआ मंदिर है, यहां से आप फोटो देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है, गोटमार मेला के बारे में बात की जा रही है, तो देखिए ये बड़ा अजीब और अनूठा है, ये बिल्कुल स्ट्रेंज है, यहां से आप देख पाओगे फोटो, देखिए नदी के बीचों बीच में जो है एक झंडा लगाया जाता है पेड़ के ऊपर में, और दो अलग अलग गांव के लोग, मैं गांव का भी नाम आपको बता देता हूं, सावर और पांडुवाना गांव के लोग जो है जाम नदी के तट पर, जाम नदी देखो, दोनों गांव के लोग जो है एक दूसरे
बिल्कुल अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और यहाँ से पत्थरों के द्वारा इस जो है झंडे को गिराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और जिस गांव के पत्थर के द्वारा ये झंडा गिराया जाता है वो उसे जो है विनर घोषित कर दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ये अनोखी प्रतियोगिता की जाती है। हाल में ही ईडी का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया, देखिए ईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ईडी का काम क्या है, ये काले धन पे लगाम लगाती है, जो इंटरनेशनल हवाला वगैरह का काला धन है इसके ऊपर जो है काम करती है। ट्रांजैक्शन में अगर गड़बड़ी आई ईडी वहां पे आएगा। और हाल में ही इंडिया में अलग अलग नेताओं के ऊपर ईडी का जो है शिकंजा कसा जा रहा है और विपक्षी दल के नेता जो है कहते हैं कि ये सरकार जो है गलत तलत मामले में जो है सर हम लोगों को फंसा रही है। तो फिलहाल ईडी का जो निर्देशक है उनका नाम क्या है, उनका नाम है राहुल नवीन। राहुल नवीन को जो है फिलहाल अभी इनका निर्देशक बनाया गया है, संजय कुमार मिश्रा इससे पहले थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 128वां संविधान संशोधन 2023 किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महिला आरक्षण बिल, नारी वंदन बिल के नाम से भी ये जाना जाता है और इसे जो है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है जिसमें 33% आरक्षण देने की बात की गई है महिलाओं को, ठीक है। एससी एसटी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया, ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है और नए संसद भवन में ये जो है बिल पारित किया गया था। नए संसद भवन का ये आप फोटो देख सकते हो अंदर से और अर्जुन मेघवाल के द्वारा ये जो है यहाँ पे इस बिल को रखा गया था सदन के सामने। चलिए आगे बढ़ेंगे। डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था, तो देखिए 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था लेकिन इस बार इन्होंने जो है सिल्वर मेडल ही जीता और चेक गणराज्य के जो है खिलाड़ी थे जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। यहाँ से आप नीरज चोपड़ा की फोटो भी देख सकते हो। हाल में ही कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है, तो देखिए टोटल 84 लोगों को ये सम्मान दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 75 साल से अधिक जो हो जाते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, 75 इयर्स से मोर देन वाले को। और यहाँ से आप फोटो देख लो पहले, राजीव धनखड़ जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो, यहाँ से आप देखो फोटो देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे 75 साल से ऊपर के हो चुके हैं और राजीव धनखड़ की हंसती हुई फोटो आपको यहाँ से दिख जाएगी। हाल में ही किस राज्य ने धातु वेनेडियम की खोज की है, तो देखिए वेनेडियम को वी से डिनोट किया जाता है और ये क्या है, ये बहुत ही कठोर होता है और इसका काम कहाँ से हम लोग लाते हैं, तो देखिए लौह और जो इस्पात फैक्ट्री है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाइना नंबर वन पे है, सबसे ज़्यादा चाइना में वेनेडियम मिलता है और ये बहुत ही रेयर मेटल है और गुजरात में जो है इसकी खोज देखने को मिलेगी आपको, गुजरात में ये जो है किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ से आप जो है वेनेडियम की फोटो देख सकते हो। पुराने संसद भवन का नाम क्या बदलकर रख दिया गया है, संविधान सदन, क्योंकि पुराने संसद भवन में अब जो है लोकसभा राज्यसभा को हटाकर जो है कहां पे शिफ्ट कर दिया गया है, नए संसद भवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नॉर्मन ई बोरगॉल, देखिए ये जो है नोबेल विजेता साइंटिस्ट का नाम है, याद रखिएगा। खाद्य यानी कि लोग भूख से ना मरें और पोषण इनको जो है रेगुलरली मिलते रहे लोगों को, इसके बारे में इन्होंने बहुत काम करा था, इनको उससे जो है सम्मानित किया गया है। अब 2023 में इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे एक जो है प्रेस्टीजियस अवार्ड दिया जाता है, किस भारतीय महिला को ये अवार्ड मिला हुआ है, तो स्वाति नायक इनको जो है ये अवार्ड मिला हुआ है। और लास्ट जो है पिछली बार जो है महालिंगम गोविंद राज को ये अवार्ड मिला हुआ था, लेकिन फिलहाल के लिए डी स्वाति नायक इज द राइट आंसर। यहाँ से जो है स्वाति नायक की आप फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेस्टर्न लेन, ये जो वेस्टर्न लेक की लेखिका कौन है, ऑथर कौन है, तो देखिए इसका सही जवाब देखिए क्या होगा, यहाँ से देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर ए, चेतना मारू। ये एक 11 साल की जो लड़की है गोपी, उसकी कहानी है। ये ब्रिटिश फैमिली में रहने वाली लड़की की कहानी है जो कि उसके फैमिली के बीच में कैसा रिलेशन है उसके बारे में बात करती है। ए इसका सही जवाब होगा। यहाँ से जो है आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, चेतना मारू, और यहाँ पे जो है वेस्टर्न लेन के बारे में बात की गई है। और आखिरी क्वेश्चन, जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये जो है किसके द्वारा लिखी गई बुक है, रिटर्न किसके द्वारा की गई है, ऑथर का नाम बताना है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है जेवा, यहाँ से आप देख सकते हो, और ये जो है किताब बहुत फेमस है, एग्जाम में हो सकता है कि आपके पूछ लिया जाए। बाय द वे जाते जाते फिर से बता दूं, अगर आपको अक्टूबर नवंबर की भी करंट अफेयर्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। वीडियो यहां तक देख लिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिए। आने वाले समय में आपको और भी जो है क्लासेस देखने को मिलेगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला जो आइकन है बेल आइकन उसे जरूर दबा दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों सहेलियों तक इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।